सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल की बिजी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते पेट खराब होना, पूरी तरह पेट साफ न होना और कब्ज आदि की समस्या होना बहुत आम है। हमारे शरीर के पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए हमारे सभी दूसरे अंगों को ताकत मिलती है, इसलिए जब भी हमें पेट और पाचन से संबंधित कोई समस्या होती है तो इसका सीधा असर शरीर के दूसरे अंग जैसे कि किडनी, लिवर, दिल, पैनक्रियास, फेफड़े, हड्डियों और त्वचा पर भी दिखाई देता है। इसलिए सही भोजन करने के साथ साथ पेट अच्छी तरह से साफ होना भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों का पेट सुबह के समय पूरी तरह से साफ नहीं होता है या फिर जिन्हें अक्सर कब्ज की समस्या बनी रहती है, तो ऐसे में खाए हुए भोजन का कुछ अवशेष हमारी आंतों में ही रह जाता है, जो कि धीरे धीरे सड़कर शरीर में एसिड और गैस की मात्रा को बढ़ाता है। पेट पूरी तरह साफ नहीं होने की वजह से पूरे दिन हमें शरीर में थकान और भारीपन महसूस होता है, जिसके कारण हमें लगातार आलस आता रहता है और काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पेट साफ नहीं होने की वजह से कई बार हमें ठीक से भूख भी नहीं लगती है और रात के समय अच्छी नींद भी नहीं आती है, और धीरे धीरे इसका असर हमारे बालों और त्वचा पर भी दिखाई देने लगता है। जो लोग एक लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं, उन्हें मोटापा, पेट में गैस बनना, त्वचा पर तिल या मस्से होना, पाइल्स बवासीर, पेट में अल्सर और लीवर में खराबी आने जैसी गंभीर बीमारियां होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। और खासकर महिलाओं में खराब पेट के चलते इसका सीधा असर उनके मासिक धर्म और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े दूसरे अंगों पर भी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेट साफ करने और कब्ज से छुटकारा पाने के लिए तीन सबसे असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में, जिनके पहले ही इस्तेमाल से असर दिखना शुरू हो जाएगा और रोजाना सुबह उठते ही पेट पूरी तरह से साफ होने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रात को सोने से पहले लिए जाने वाले नुस्खों के बारे में। इसमें जो पहला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी जीरा, अजवाइन, धनिये के बीज यानी कि खड़ा धनिया, काला नमक, हल्दी, सौंठ और पुदीने की। सबसे पहले 2 बड़ा चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच अजवाइन को 1 से 2 मिनट के लिए कम आंच पर हल्का सेक लें। उसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया डालकर इसे 2 मिनट के लिए और सेकें। उसके बाद इन सारी सीखी हुई चीजों को मिक्सर में अच्छी तरह चलाकर इसका बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बन जाने के बाद इसमें 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंठ पाउडर और 1 चम्मच सूखी हुई पुदीने की पत्तियों का पाउडर मिलाकर सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसका सेवन करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच तैयार चूर्ण को मिलाकर 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट बाद जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसका सेवन करें। रोजाना रात को खाना खाने के बाद इस नुस्खे का सेवन करने से सोते समय हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है और भोजन पूरी तरह पचने के साथ साथ पेट में जमी गंदगी भी साफ होने लगती है। इसमें मौजूद अजवाइन, सौंठ और जीरा खाए हुए भोजन को अच्छी तरह से पचाकर सारे जरूरी पोषक तत्वों को हमारे शरीर में पूरी तरह से पहुंचाते हैं, और साथ ही पुदीना हमारे पेट को ठंडा बनाए रखने का काम करता है। इस नुस्खे का रात को इस्तेमाल करने के बाद अगली सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट बड़ी आसानी से पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। लगातार इसके इस्तेमाल से कब्ज की समस्या भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा कब्ज या पेट साफ नहीं होने की समस्या के लिए त्रिफला के चूर्ण का इस्तेमाल भी ठीक इसी तरह से किया जा सकता है। त्रिफला का इस्तेमाल आयुर्वेद में पेट से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियों के लिए पुराने समय से किया जाता आ रहा है। यह हमारे पेट और आंतों के लिए एक क्लीनर की तरह काम करता है, यानी कि भोजन को पचाने के साथ साथ शरीर में जमा दूषित पदार्थ और पेट की चर्बी भी इसके इस्तेमाल से कम होने लगती है। त्रिफला पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक या दवाई की दुकान पर कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगा। तैयार किए गए चूर्ण और त्रिफला पाउडर में से एक बार में किसी एक चीज का ही इस्तेमाल करें और इन दोनों ही चीजों का हफ्ते में केवल 2 दिन या 1 दिन छोड़कर ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं सुबह के समय लिए जाने वाले नुस्खों की। इसमें सबसे पहले है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। पेट साफ करने और कब्ज को जड़ से खत्म करने के लिए अरंडी का तेल सबसे ज्यादा और जल्दी असर दिखाता है। यह हमारे पेट और आंतों की सफाई करने के लिए लैक्सेटिव यानी कि रेचक माना जाता है। स्वाद में यह थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए इसका सेवन करने के लिए 1 कप हल्के गर्म पानी में 1/2 नींबू का रस, 1/2 चम्मच नमक,
और एक चम्मच कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल मिलाकर सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तैयार ड्रिंक का रोजाना सुबह खाली पेट एक ग्लास सादा पानी पीने के बाद सेवन करें। अरंडी के तेल को हल्के गर्म पानी और नींबू के रस के साथ मिलाकर पीने से लगभग 15 से 20 मिनट बाद ही इसका असर होना शुरू हो जाता है, और इसके बाद जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा और पेट में जमी सारी गंदगी शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा कब्ज की समस्या में हल्दी वाले दूध और पपीते का सेवन करना भी बहुत लाभदायक होता है। रोजाना शाम को खाना खाने के साथ या फिर सुबह उठकर खाली पेट पपीते का सेवन किया जाए तो हमारा पेट बिना किसी कठिनाई के आसानी से साफ हो जाता है। जिन लोगों को अक्सर यह समस्या रहती है उन्हें रोजाना पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बताई गई सारी ही चीजों में से एक बार में किसी एक उपाय को ही आजमाएं। यानी कि अगर आप रात को सोने से पहले बताए गए चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आपको त्रिफला या फिर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। पेट साफ करने वाले किसी भी उपाय का लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए बताई गई सारी चीजों को एक या दो दिन छोड़कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि लगातार पेट साफ करने वाली चीजों को यूज करने से हमारे शरीर में कमजोरी भी आ सकती है। अगर आप रोजाना किसी तरह की दवाई का सेवन करते हैं तो दवाई लेने के लगभग 2 घंटों तक इन नुस्खों का इस्तेमाल न करें। पेट साफ करने और कब्ज की समस्या के लिए हमें किसी भी तरह की दवाई या नुस्खों की जरूरत नहीं पड़े, इसके लिए अपने खानपान में ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप रोजाना कुछ आसान नियमों का पालन करते हैं तो बिना किसी उपाय के ही आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि पेट साफ नहीं होने और कब्ज बनने की समस्या शरीर में पानी की कमी होने की वजह से ही होती है। इसलिए कोशिश करें कि दिन भर में लगभग 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें अपनी रोजाना डाइट में खासकर रात के भोजन में जरूर शामिल करें। हर बार खाना खाते समय उसे अच्छी तरह चबा कर खाएं और खाते समय छोटे निवालों का इस्तेमाल करें। कब्ज या पेट साफ नहीं होने की समस्या में हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पेट को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं या भोजन को ठीक तरह से नहीं चबाते हैं उन्हें कब्ज और गैस की समस्या होती ही है। बिना तरल वाली सूखी चीजों को पचाने में हमारे पेट को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और साथ ही बाहर का तला हुआ भोजन भी हमारी पाचन शक्ति को कमजोर बनाता है। इसलिए खाने में ज्यादा सूखी चीजें और बाहर का जंक फूड कम से कम खाएं। इसके अलावा रात्रि का भोजन सोने के कम 2 से 3 घंटे पहले जरूर कर लें। अगर आप इन सभी नियमों का रोजाना पालन करते हैं तो पेट साफ करने के लिए आपको किसी भी नुस्खे या दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज के यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।